अगर आप एक यूट्यूबर हो तो इस वीडियो को बिल्कुल स्पिक मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो एप्स बताऊंगा जो यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ वेबसाइट भी है जिनका आप यूज़ कर सकते हो, और कुछ ऐप्स तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक यूट्यूबर के लिए। तो सारे ऐप्स बताऊंगा, सब बताऊंगा कि शूटिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए, एडिटिंग के लिए कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अनुज है और आप देख रहे हो टेक्नो रूलर। सो स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट के अंदर पहला जो ऐप है उसका नाम है यूट्यूब। आप सभी ने डाउनलोड करके रखा है, इससे आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, वीडियो वॉच भी कर सकते हो। दूसरा जो ऐप है वो है यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो क्या है? इससे आप अपने चैनल की पूरी डिटेल देख सकते हो। अब मान लीजिए आपने वीडियो अपलोड की, तो इस ऐप से थंबनेल लगा सकते हो, टाइटल लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो, टैग लगा सकते हो, वीडियो की एनालिटिक्स देख सकते हो, चैनल की एनालिटिक्स देख सकते हो, आपकी वीडियो कहाँ पे जो है बूस्ट हो रही है, कहाँ से व्यूज आ रहे हैं, पूरी डिटेल जान सकते हो यूट्यूब स्टूडियो ऐप से। तो इसका ज़रूर यूज कीजिए अगर यूट्यूबर हो तो। नेक्स्ट जो ऐप है वो है स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब बहुत सारे लोगों को स्क्रीन रिकॉर्ड करनी पड़ती है मोबाइल की, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। इससे आप जो है मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाओगे बहुत ही आसानी से, मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर भी वहाँ पे कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऐप है उसका नाम है ओपन कैमरा। इस कैमरा ऐप से आप जो है माइक को कनेक्ट कर सकते हो। ये जो एक यूट्यूबर के लिए ही है, अगर आप मोबाइल से वीडियो शूट करते हो तो इससे ऐप का यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है कि आप सारी सेटिंग कर सकते हो, और आपका एक माइक है इस प्रकार का तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इस ऐप से आप सपोर्ट कर पाओगे, बहुत सारी सेटिंग है, तो इस ऐप का आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा ऐप है वो है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ये जो ऐप है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अपनी वॉइस को एडिट करना चाहते हैं, प्रोफेशनल वॉइस बनाना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इस ऐप का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका वॉइस ओवर चैनल है या फिर आप वॉइस एडिट करना चाहते हो, अपनी वॉइस के अंदर इको वगैरह डालने चाहते हो, तो इस ऐप का आप यूज़ कर सकते हो, ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऐप है उसका नाम है एनिमेटेड टेक्स्ट। इस ऐप से आप क्या कर सकते हो, लाइक आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो इस प्रकार के इंट्रो बना सकते हो, छोटे छोटे मतलब टेक्स्ट एनिमेशन इंट्रो बना सकते हो और अपने वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इस प्रकार से छोटे मोटे इंट्रो बना सकते हो, तो ये भी बहुत ही कमाल का है ऐप यूट्यूबर के लिए। अगला जो ऐप है वो है वीडियो एडिटिंग करने के लिए। देखो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करने के लिए मैंने दो ऐप्स लिए हैं। पहला जो ऐप है वो है काइन मास्टर। इससे आप प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर सकते हो, सारे फीचर है, सारे टूल दिए गए हैं, चाहे आप स्प्लिट करो या फिर क्रॉपिंग करो, सारे ऑप्शन है, इससे आप वीडियो प्रोफेशनल एडिट कर सकते हो। या फिर एक वीटा ऐप है, वीटा से भी आप भी बहुत ही प्रोफेशनल जो है वीडियो एडिट कर सकते हो। इनमें से कोई भी ऐप आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऐप है ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने बैकग्राउंड के लिए म्यूज़िक यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे म्यूज़िक, हर कोई म्यूज़िक हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकती है, तो आप यूज़ कर सकते हो NCS म्यूज़िक नाम का एक ऐप है। यहाँ से आप नो कॉपीराइट म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर इसका चैनल भी है, वहाँ से भी आप फ्री में डाउनलोड करके म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, तो इस ऐप का आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऐप है ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने मोबाइल के अंदर वीडियोज़ यूज़ करते हैं, कुछ इस प्रकार के आप मान सकते हो। ये जो है नो कॉपीराइट आप यूज़ करना चाहते हो, नो कॉपीराइट फोटोज या फिर वीडियोज, तो यहाँ पे मैं दो ऐप्स बता रहा हूँ। पहला जो ऐप है वो है पिक्साबे। पिक्साबे से आप वीडियो फोटोज डाउनलोड कर सकते हो, इससे क्या होता है कि कॉपीराइट नहीं आएगा, कॉपीराइट फ्री है। और दूसरा है पिक्सल्स, ये जो ऐप है इनसे भी आप जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो वीडियोस और फोटो। इन दोनों की वेबसाइट है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इनमें से चाहो तो ऐप यूज़ करो या फिर वेबसाइट यूज़ कर सकते हो अगर आपको वीडियोस और फोटो चाहिए नो कॉपीराइट। ये जो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बहुत ही काम का है चैनल को बूस्ट करने के लिए मान सकते हो। कैसे? देखो आप किसी भी यूट्यूबर के टैग्स देखना चाहते हो
तो टैग यू एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। इस ऐप का नाम टैग यू है और यहाँ पे सजेशन कीवर्ड्स का भी ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए आप सर्च करते हो, सर्च वहाँ पे कीवर्ड्स आपको जानने हैं, जैसे कि आपका टाइटल है हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पे आप लगा देते हो हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो उसके जो सजेशन कीवर्ड्स है वो सारे मिल जाएंगे, वो आप टैग्स के अंदर यूज कर सकते हो। लाइक हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल फास्ट, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल 2021, इस प्रकार से। तो यहाँ से आपको सजेशन में आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलते हैं जो कि आप अपनी वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो। दोस्तों ये जो नेक्स्ट ऐप है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे? ये जो ऐप है इसका नाम है ट्यूब बडी और ये जो है यूट्यूबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्या कर सकते हो, कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हो, आप जान सकते हो इस कीवर्ड्स के ऊपर ओवरऑल कितना है, सर्च इंजन कितना है, वो यहाँ से आप जान सकते हो। एंड आप पता कर सकते हो आपकी वीडियो किस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो रही है, और ये जो है आपको कीवर्ड्स ढूंढ के देगा कि ये आप अपनी वीडियो के अंदर कीवर्ड लगाओ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत सारे फीचर है यूट्यूबर के लिए, तो आप अपनी वीडियो को रैंक करने में मदद करेगा, इसका आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अब ये जो ऐप बताने वाला हूँ ये जो है थंबनेल बनाने के लिए है। देखो थंबनेल बनाने के लिए आप पिक्सआर्ट ऐप से प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो, या फिर पिक्सल लैब एक ऐप है वहाँ से बहुत ही कमाल के थंबनेल बना सकते हो। लाइक मैं भी वहाँ से बनाता हूँ और बहुत सारी क्रिएटर वहाँ से ही थंबनेल बनाते हैं, अच्छे अच्छे फॉन्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वहाँ से अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बना सकते हो। दोस्तों ये जो अब मैं ऐप बताने वाला हूँ इससे क्या कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि आपके कितने सब्सक्राइबर है, कितने घटे हैं, कितने रहे हैं, तो इस ऐप से आप सब्सक्राइबर काउंट कर सकते हो। इस ऐप का नाम है रियल टाइम सब्सक्राइबर काउंट, इससे आप यही कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर लगा दोगे तो यहाँ से क्या होगा आपके सब्सक्राइबर काउंट होंगे, ठीक है ना, तो इस ऐप का आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये जो ऐप बता रहा हूँ अभी इसका नाम है remove.bg, इसकी एक वेबसाइट भी है उसका आप यूज़ कर सकते हो या फिर ऐप का यूज़ करो। देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप फोटो का जो बैकग्राउंड है वो वन क्लिक के अंदर अपलोड करते ही आपका फोटो जो है इरेज होके आ जाएगा और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो फोटो इरेज करना चाहते हो थंबनेल के अंदर यूज़ करने के लिए, तो इस ऐप का या फिर इसकी वेबसाइट है उसका आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइस बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट तो नहीं, यूट्यूब का एक फीचर है। देखो आप जो है YouTube स्टूडियो के अंदर जाओगे या फिर YouTube ऑडियो लाइब्रेरी सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से क्या कर सकते हो, नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट म्यूजिक वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। YouTube की खुद की ऑडियो लाइब्रेरी है तो आप यूज़ कर सकते हो, इससे आपको कोई भी कॉपीराइट का मतलब दिक्कत नहीं आएगी। सो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे ऐप और यूट्यूब का ये फीचर मान सकते हो या फिर वेबसाइट मान सकते हो जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, और हो सकता है आप इनमें से काफ़ी ऐप्स का यूज़ करते हो। और यहाँ पे ये नहीं है कि सारे का यूज़ करो, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उनका आप यूज़ कर सकते हो। और ये अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।